दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की हवा बढ़ते प्रदूषण की वजह से दम घोटू हो चुकी है। वहीं बढ़ते प्रदूषण के बीच कल दिल्ली सरकार ने बैठक की, जिसके बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ऐलान किया कि 13 से 20 नवंबर तक यानी 7 दिनों के लिए ऑड इवन लागू किया जाएगा। दिल्ली में दिवाली के दूसरे दिन से यानी 13 नवंबर से 20 नवंबर तक ये लागू होगा। साथ ही बैठक में फैसला किया गया कि 10 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। बच्चों के बोर्ड एग्जाम को देखते हुए सिर्फ 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खुले रहेंगे। साथ ही दिल्ली में सभी तरह के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है। वहीं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी बयान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि राज्य की सरकारें मामले को लेकर गंभीरता दिखाते हुए कार्रवाई करें, नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट अगर बुलडोजर की कार्रवाई की तो वो अगले 15 दिनों तक रुकने वाला नहीं है। मामले को लेकर जस्टिस एसके कॉल ने बयान देते हुए कहा कि दिवाली की छुट्टी शुरू होने वाली है, इससे पहले सभी पक्ष एक साथ बैठकर पूरे मामले का समाधान निकालें। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि दिल्ली में बसों की वजह से भी प्रदूषण बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि पराली जलाने की वजह से प्रदूषण फैल रहा है। साथ ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना बयान देते हुए कहा कि राज्य सरकार मोटे अनाज को उगाने का बढ़ावा दे, जिसमें केंद्र सरकार उनकी मदद करे। साथ ही पंजाब में फेज वाइज धान की फसल को बाहर किया जाए। जब दिल्ली के सीएम ने अपने बयान में कहा है कि एक सॉल्यूशन विकसित किया गया है जिसके छिड़काव से पराली खाद में बदल जाएगी, तो फिर पंजाब सरकार इसे इस्तेमाल क्यों नहीं करती। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि पराली जलाना बंद हो। समस्या का एक्सपर्ट तो हर कोई है, लेकिन इस समस्या से कैसे निकला जाए इसका समाधान किसी के पास नहीं है। क्या कोई देख नहीं रहा कि दिल्ली में कितने ही छोटे बच्चों की हेल्थ से जुड़ी समस्या आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि यह मामला कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, मामले में ब्लेम गेम को छोड़ दें और इसे किसी और पर न थोपे। सबसे पहले आप पंजाब में पराली जलाना रोकें। वहीं जस्टिस किशन कौल ने अपने बयान में कहा कि दिल्ली में हर साल यही हाल है और घूम फिर कर सब कुछ पेपर में ही रह जाता है। हमने पहले ही आदेश जारी किया था, कोई भी राज्य इस बात को मना नहीं कर सकता कि उनके पास यह आदेश नहीं पहुंचा था।